हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको पगड़ी कैप बनाना सिखाएंगे। ये पगड़ी कैप बहुत ही आसान है, जितना ही सुंदर है उतना ही बनाना आसान भी है। और इसको बनाने के लिए हम 100 फंदा डालेंगे और दो से ढाई साल के बच्चे के लिए इसको बना रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये पगड़ी कैप जो है, इसके लिए हमें इसको हम डबल धागा कर लेंगे। डबल धागा करने के बाद सिंपल फंदा डाल लेते हैं। सिंपल फंदा ऐसे हम इसको डाल लेंगे। तो देखिए, ये फंदा डालेंगे ना ज़्यादा ढीला रहेगा ना ज़्यादा कसा रहेगा। ऐसे सिंपल फंदा हम ऐसे हम 100 फंदा डाल लेते हैं। 100 फंदा पहले डाल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम इसको फंदे को डाल लिए हैं। फंदे को हम 100 फंदा डाल लिए हैं। अब हम पहली सिलाई बुनेंगे। पहली सिलाई इसमें हम बुनेंगे सारे फंदे को उल्टा, ऐसे हम उल्टा बुन डालेंगे। पूरी सिलाई ऐसे उल्टा बुनते हुए हम इस सिलाई को पूरा कर देंगे। देखिए इसी तरह से। तो फ्रेंड देखिए, पहली सिलाई हमारी पूरी हुई, उल्टा बुनते हुए हम पूरा किए हैं। अब दूसरी सिलाई में हम दूसरा कलर लगाए हैं। दूसरी सिलाई में हम दूसरा कलर लगा के इसकी हम बुनाई करेंगे। तो देखिए, ये पहली सिलाई उल्टी उल्टी बुने हैं और फिर इसको दूसरी सिलाई में अब देखिए। तो देखिए, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं दूसरी सिलाई। तो 15 फंदा हम उल्टा बुनेंगे लाल धागे से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, ये हमारा 15 फंदा हो गया। 15 फंदा हमारा यहाँ है और 85 फंदा हम इधर। 85 15 हमारा 100 फंदा हो जा रहा है। तो इसको देखिए, हम यहाँ अब डिजाइन बना रहे हैं। आधी हाफ तक हम डिजाइन बनाएंगे इसमें। तो डिजाइन बनाने के लिए देखिए, हमारा फंदा यहाँ है तो इसको हम जो है साथ ही मिले आएंगे, नहीं तो ये हमारा फ्लास बड़ा हो जाएगा। हम थोड़ा इसको खोल लेते हैं। तो देखिए, हम दोनों फंदे को साथ में ले करके चलेंगे। ऐसे जो है इसके अंदर ऐसे कर देंगे। ऐसे दो फंदा, चार फंदा बुन करके इसको हम ऐसे अंदर कर देंगे, नहीं तो हमारा ये धागा बड़ा हो जाएगा। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, छः, सात। देखिए, इसको हम फिर अंदर कर दे रहे हैं। दोनों धागे को ऐसे हम अंदर कर देंगे, फिर ऐसे बुनेंगे जिससे हमारा धागा ये बड़ा ना दिखाई पड़े। देखिए, ऐसे ही फिर ऐसे अंदर कर देते हैं इसको। ऐसे इसे में लपेटते हुए ऐसे हम बुन देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, इसको हम इसमें लपेटेंगे। 15 फंदा हमारा हो गया। तो फ्रेंड देखिए, अब हम डिजाइन यहाँ बनाएंगे। यहाँ हम डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए हमें जो है 5 फंदा सफ़ेद, 5 फंदा सफ़ेद और 2 फंदा इसको बनाएंगे लाल से। एक, दो, अब की बार ये किनारे की वजह से हम 5 बनाए हैं, अब बीच में हम 7 फंदा बनाएंगे।
सात फंदा सफेद, एक दो तीन चार पांच छह ये सात, सात फंदा सफेद और दो फंदा इसको रेड से बनाएंगे। इसी तरह से हम इस सिलाई को पूरा कर लेते हैं। पूरे सिलाई में डिजाइन नहीं बनाएंगे हम, आधे दो डिजाइन बनाएंगे, चार डिजाइन ऐसे ऐसे छोटी छोटी हम चार डिजाइन बना के और पीछे वाला एक तरफ का हिस्सा हम ऐसे सीधी पट्टी बनाएंगे, पूरा उल्टा बना डालेंगे और इस डिजाइन को ऐसे बनाते हुए हम आधी दूर ले आएंगे हाफ तक। तो देखिए हम ये तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, इतनी दूर हम डिजाइन बनाए हैं, आप चार डिजाइन बनाइए, पांच डिजाइन बनाइए, आधी हाफ तक बनाइए, हाफ तक बनाइए और उसके बाद इधर हम ये सीधा बुन देते हैं, इधर ये सब सीधा बुन देते, उल्टा ये हमारा उल्टा है और ये हमारा सीधा है। इधर हम एक सिलाई उल्टा बुन लिए हैं, दूसरी सिलाई हमारी ये उल्टे की तरफ जा रही है। इतना दूर हम डिजाइन बनाए हैं, अब इतनी दूर हम जो है ऐसे उल्टा बुनते हुए व्हाइट कलर से सिलाई को पूरा कर देंगे। इसको हम ऐसे उल्टा बुन डालेंगे ऐसे ही। देखिए अब हम तीसरी सिलाई पर आ गए, तीसरी सिलाई में हम इसको सीधा बुनेंगे, उल्टे के तरफ ये सादा वाला सब उल्टा रहेगा और सीधे की तरफ सीधा रहेगा। ऐसे हम सीधा बुनते हुए यहाँ डिजाइन तक पहुँचेंगे। तो देखिए हम यहाँ तक ये सीधा इतना बुन करके यहाँ डिजाइन पर पहुँचे हैं। अब डिजाइन में हमें क्या करना है, दोनों धागे को हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे, ऐसे इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर। अब ऐसे हम जो है दो फंदा रेड जो बुना गया है उसी पर रेड बनाएंगे और व्हाइट वाले पर ऐसे व्हाइट बनाएंगे। हमारा यहाँ धागा हमको बड़ा लगता है तो ऐसे हम इसको ले लेंगे, फंसा देंगे जिससे धागा बड़ा ना लगे। इसको देखिए अब इस धागे को हम बहुत ज़्यादा ना ढीला ना कसा ऐसे आराम से बनाएंगे जिससे हमारा एक कैप सिकुड़े ना। ऐसे हम सिलाई को पूरा करेंगे, ऐसे हम धागे को ऐसे रेड वाला ऐसे पकड़ के बुन देंगे जिससे जो है ये बड़ा बड़ा फ्लास उल्टे की तरफ से ना दिखाई पड़े। देखिए ये वाला फ्लास हमारा छोटा होगा, ये बड़ा है कि इधर से आएंगे तो इसको भी बांध देंगे। ऐसे बांधते हुए इसे दो पर दो और ये पंद्रह फंदा सीधा बुन करके हम सिलाई पूरा करते हैं। देखिए चौथी सिलाई पर आ गए, चौथी सिलाई में हमें इस रेड को उल्टा बनाएंगे, यहाँ एक किनारे उठा उतार लेते हैं, ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद जो है इसको उल्टा बुनते हुए हम डिजाइन तक आते हैं। देखिए हम इसको उल्टा बुन लिए हैं, अब धागे को हम इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इधर, जिससे हमारा यहाँ पर कोई होल ना बने। देखिए ऐसे हम उल्टा बुन लेते हैं। अब दो सिलाई हमारा ये रेड वाला हो गया, अब इसके किनारे हमें दो फंदा बनाना है। देखिए इसको इसके किनारे किनारे दो फंदा रेड और दो फंदा व्हाइट से बनाएंगे और दो फंदा फिर रेड, दो फंदा रेड। देखिए इस तरह से ऐसे हम हमारा ये बीच में अब की बार तीन ही फंदा पड़ेगा, तीन व्हाइट और दो रेड, दो व्हाइट, दो व्हाइट और दो रेड। देखिए देखिए फ्रेंड ये डिजाइन जो है इस तरह से पड़ रही है। इसको हम छह सिलाई इसको उल्टा ही बुनेंगे और यहाँ हाफ हाफ कैप में डिजाइन बना रहे हैं, हाफ कैप हमारा ये प्लेन है। तो इस तरह से हम यहाँ डिजाइन बनाते हुए और इसको उल्टा, इसको उल्टे की तरफ उल्टा बनाते हुए सिलाई को पूरा करेंगे।
तो फ्रेंड देखिए, इस डिजाइन को बनाने के बाद इतना उल्टा उल्टे की तरफ और सीधे की तरफ सीधा बुनते हुए हम यहाँ तक आए हैं। अब देखिए, इस धागे को हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे। धागे को क्रॉस करके यहाँ पर हम आपकी रेड वाले पर रेड ही बनाएंगे। जहाँ हम रेड बनाए हैं वहाँ रेड ही बनाएंगे, जहाँ ये डिजाइन व्हाइट बनाए हैं दो दो, इसी तरह से इसको इस सिलाई में से बनाते हुए हम सफ़ेद पर सफ़ेद और लाल पर लाल, सफ़ेद पर सफ़ेद ऐसे बनाते हुए यहाँ तक हम, और इस 15 फंदे को हम सीधा बनाते हुए सिलाई को पूरा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये उल्टे की तरफ से इतना उल्टा बुन करके धागे को ऐसे क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने के बाद और इसको यहाँ हम 5 फंदा सफ़ेद से बनाएंगे, 5 फंदा सफ़ेद, और ये बीच वाला हम फिर रेड कर देते हैं। अब बीच में हमारा आपकी बार 7 फंदा हो जाएगा। जैसे हम फर्स्ट सिलाई में बनाए थे उसी तरह से 7 फंदा सफ़ेद और 2 फंदा लाल, ऐसे हम बुनते हुए सिलाई को पूरा करेंगे। ये 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7। देखिए इस तरह से हमारी ये डिजाइन पड़ रही है। एक बार दो, तो उसके किनारे किनारे दो दो, फिर बीच में दो कर रहे हैं, और बीच में हमारा ऐसा सफ़ेद, 2 रेड 7 सफ़ेद, ऐसे बुनते हुए हम यहाँ डिजाइन तक आएंगे। और डिजाइन के बाद यहाँ उल्टे के तरफ से इसको पूरी सिलाई को उल्टा बुन करके पूरा करते हैं। फ्रेंड देखिए, ऐसे हम बनाते हुए सिलाई को ये जो है इसको इस पर रेड बनाएंगे। देखिए रेड बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये डिजाइन हमारी ये पूरी हो रही है। और इसको हम यहाँ धागा क्रॉस करके ऐसे जहाँ 2 रेड बनाए हैं उस पर रेड बनाएंगे, और व्हाइट वाले पर व्हाइट बनाएंगे। ऐसे 2 रेड डिजाइन के बीचों बीच 2 रेड और 7 व्हाइट ऐसे बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे, और इसको 15 फंदा सीधा सीधा बना के सिलाई पूरा करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये 6 सिलाई हमारी 6 सिलाई की पट्टी पूरी हो गई डिजाइन बनाते हुए और इसको रेड बनाते हुए। अब हम दूसरी पट्टी बनाएंगे, यहाँ एक फंदा ऐसे उतारेंगे और सीधी बुनाई करेंगे, उल्टे के तरफ से सीधी बुनाई करेंगे। पूरी सिलाई हमको सीधा बुनना है। देखिए ऐसे सीधा बनाते हुए हम 15 फंदा रेड सीधा बुन लिए हैं। देखिए, अब ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि धागा आगे करेंगे और धागे को क्रॉस करेंगे, ऐसे धागा इधर करेंगे जिससे यहाँ कोई होल ना बने, और इसको ऐसे सीधे सीधे की तरफ ले जाएंगे और इसको सीधा बना डालेंगे। सीधी बुनाई करना है। तो देखिए, और हमारा जो है डिजाइन वाला 2 फंदा है, इसको हम धागा आगे करके 2 फंदा उल्टा बुन लेते हैं, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर जब उल्टा बुन देंगे तो यहाँ बिंदी बिंदी पड़ जाता है। तो पहली सिलाई में हमें केवल यही अंतर करना है, इस रेड वाले को हम उल्टा बना देते हैं, उल्टा बुनते हैं, और बाकी सब पूरी पट्टी में हमें ऐसे उल्टे के तरफ ऐसे सीधा बुनना है। ऐसे सीधा बुनेंगे धागा आगे करके, इसको हम उल्टा बुन लेते हैं 2 फंदा, धागा पीछे करके। ऐसे हम केवल इस पर और इस पर डिजाइन पर, केवल रेड वाले पर हमें उल्टे की तरफ उल्टा बनाना है, और बाकी पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टे की तरफ सीधा बुनते हुए पूरा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ हम एक फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, एक फंदा ऐसे उतार लेंगे, और पूरी सिलाई हमें ऐसे उल्टा बुनते हुए सिलाई को पूरा करेंगे। अब यहाँ डिजाइन हमारी बंद हो गई, अब हमें डिजाइन नहीं डालना है। और इधर 85 फंदा हम उल्टा बुनेंगे,
सफ़ेद से बुनेंगे और यहाँ धागा क्रॉस करके और इस पर रेड सफ़ेद पर सफ़ेद ऐसे हम एक पट्टी हम ऐसे हम छह धारी की छह सलाई की हम एक पट्टी बनाएंगे उल्टे की तरफ उल्टा एक पट्टी सीधी बनाएंगे एक पट्टी उल्टी बनाएंगे ऐसे हम इधर उल्टा तीन सलाई मतलब उल्टा एक सलाई उल्टा और इधर सीधा इधर उल्टा इधर सीधा इधर उल्टा ऐसे करके हम छह सलाई बुन लेते हैं। ये हमारी सीधी की पट्टी है, अब की बार हमें उल्टी की पट्टी हम छह सलाई बनाएंगे। ऐसे हम बना के पूरा करके ऐसे ऐसे हम फ्रेंड एक पट्टी हम सीधी बनाएंगे सीधी सीधी की सीधे की तरफ सीधा उल्टे की तरफ उल्टा और फिर दूसरी पट्टी हम उल्टी की बनाएंगे इधर उल्टा और इधर सीधा ऐसे ऐसे हम 11 पट्टी बना लेते हैं। एक पट्टी सीधी एक पट्टी उल्टी एक पट्टी सीधी एक पट्टी उल्टी ऐसे ऐसे हम 11 पट्टी बुन लेते हैं। 11 पट्टी बनाने के बाद ना कहीं घटाना है ना बढ़ाना 11 पट्टी बनाने के बाद हम आपको फिर बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम 11 पट्टी बना लिए हैं, एक सीधी पट्टी डिजाइन वाली और पीछे सीधा ही है और एक उल्टी उल्टी छह सलाई उल्टा छह सलाई सीधा छह उल्टा छह सीधा छह उल्टा छह सीधा ऐसे करके हम 11 पट्टी बना लिए हैं। सीधी वाली छह पट्टी 1 2 3 4 5 6 आई उल्टी वाली हमारी 5 पट्टी होगी 1 2 3 4 5 तो ऐसे हम 11 पट्टी इसको बना लिए हैं। 11वीं पट्टी हमारी यही पूरी हो रही है। तो देखिए 11वीं पट्टी हम ऐसे इसको अब की बार हम यहीं पर जैसे इस पट्टी को बनाए ऐसे रेड भी बनाए हैं क्रॉस धागा यहाँ क्रॉस करके देखिए हमारा यहाँ कोई होल नहीं बना है। तो ऐसे आप धागा क्रॉस करके ऐसे बनाते हुए 11 पट्टी बनाने के बाद जो है यहाँ एक फंदा आप स्लिप करके बनाइए स्लिप करके एक फंदा इसको बनाते हुए 11वीं पट्टी हमारी पूरी हो रही है। अब कि हमें क्या करना है व्हाइट से ही हमें बना देना है। रेड धागा हमारा यहीं पर इसको हम काट देते हैं। देखिए इसको हम यहीं पर काट देते हैं। अब के व्हाइट से ही इसको हम बना देते हैं। देखिए इसको हम व्हाइट से ही बना देंगे। देखिए जैसे हमारा इस किनारे थोड़ा सा यहाँ तक व्हाइट लगा है उसी तरह से इस किनारे भी हम लगाएंगे। ये हमारी 11 पट्टी पूरी हो गई है। 11 पट्टी पूरी होने के बाद हमारा एक कैप इसको हम रेड वाला ही पर छोड़ देंगे ऐसे हम उतार देंगे दो फंदा एक साथ इसमें फिर सिलाई चढ़ाया फिर दो फंदा एक साथ फिर इस फंदे को सिलाई चढ़ाया ऐसे करके हम ऐसे उतार देंगे। देखिए थोड़ा सा हमारा इधर सफेद सफेद है और थोड़ा सा इधर भी हो जा रहा है। तो ऐसे हम इसको उतार देंगे। तो फ्रेंड देखिए इस सिलाई को इतना हम फंदा घटा दिए हैं और इस सिलाई को हम ऐसे उल्टा बुनते हुए इसको पूरा कर देंगे। ऐसे उल्टा बुनते हुए हम इसको पूरा कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए हम 11 पट्टी बना लिए हैं। 11 पट्टी बनाने के बाद इसको घटा दिए हैं रेड वाला। अब केवल हमें एक गोल शेप देने के लिए कैप का इसको हम यहाँ पर घटाएंगे। एक फंदा उतारा 1 2 3 4 5 पांच फंदा बुना दो फंदा एक साथ पांच फंदा बुना 1 2 3 4 5 दो फंदा एक साथ
इस तरह से हम पूरी सिलाई को पूरा करेंगे, पांच फंदा बुन के दो फंदा एक साथ, पांच फंदा बुन के दो फंदा एक साथ, ऐसे सिलाई पूरा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, किनारे का एक फंदा उतारेंगे और उल्टे की तरफ से सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम सिलाई पूरा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, एक सिलाई तो हम पूरा कर दिया सीधी वाली घटाने वाली, अब उल्टा की तरफ पूरा उल्टा एक फंदा स्लिप किया। पहले सिलाई जब घटा रहे थे तो पांच फंदा बुन करके दो फंदा जोड़ा बुने थे, अब की बार हम चार फंदा बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदा बुना दो फंदा एक साथ, चार फंदा बुना एक दो तीन चार, चार फंदा बुना दो फंदा एक साथ, इस तरह से ऐसे हम सिलाई को पूरा करेंगे और हमारा फंदा धीरे धीरे घटता जाएगा। उल्टे की तरफ उल्टा बुनेंगे और सीधे की तरफ जब फिर आएंगे तो तीन फंदा बुन करके दो फंदा एक साथ, फिर अगले सीधे सिलाई में आएंगे तो दो फंदा बुन करके एक फंदा से, ऐसे हम बुनते हुए फंदे को ऐसे घटाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, चार फंदा बुन करके हम इसके पहले डबल किए थे, जोड़ा फंदा बुने थे, अब की बार हम तीन एक दो तीन फंदा बुन करके दो फंदा एक साथ, एक दो तीन, दो फंदा एक साथ, इसी तरह से अगली सिलाई जब सीधे में आएंगे तो दो फंदा बुन करके एक दो फंदा बुनेंगे, दो फंदा साथ में, दो एक फंदा दो फंदा बुनेंगे, दो फंदा साथ में, और उल्टे की तरफ हमें उल्टा ही बनाना रहेगा। तो फ्रेंड देखिए, अब की बार हम किनारे वाला फंदा इसे उतारेंगे, एक फंदा और दो फंदा एक साथ, एक फंदा बुना दो फंदा बुना दो फंदा एक साथ, इसी तरह से इसे सिलाई पूरा करेंगे। देखिए, अब की बार फंदे को उतारा, एक फंदा बुना दो फंदा एक साथ, दो फंदा एक साथ, एक फंदा बुना दो फंदा एक साथ, इस तरह से ऐसे सिलाई पूरा करेंगे, एक फंदा बुनेंगे दो फंदा एक साथ। तो फ्रेंड देखिए, अब की बार हम सभी फंदों को ऐसे डबल बुनेंगे, ऐसे सारे फंदे को ऐसे डबल बुनते हुए हम सिलाई पूरा करेंगे। देखिए, ऐसे ही डबल बुन डालेंगे। फ्रेंड देखिए, अब की बार हम फिर ऐसे सारे फंदों को जोड़ा जोड़ा फंदा ऐसे बुनेंगे, ऐसे डबल फंदा लेकर के एक साथ ऐसे बुनते हुए हम सिलाई पूरा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, लास्ट में हमारा सात फंदा बचा है, सातों फंदे को हम क्या करेंगे, ऐसे धागा इतना छोटा काट लेंगे, उसके बाद ऐसे इसको धागे में ऐसे भर लेंगे सातों फंदे, ऐसे ऐसे सातों फंदे ऐसे धागे में भर लेंगे। देखिए, तो फ्रेंड देखिए, जहाँ से हम घटाना शुरू किए हैं, जहाँ से हम गुलाई लिए हैं, इतना दूर हम ऐसे इसको सिल लेते हैं, जो सातों फंदा इसको धागे में डाले थे ऐसे हम इसको सिल लेते हैं, ऐसे बारीक सिलाई, ऐसे ऐसे हम इसको एक धागा इसका ऐसे पकड़ करके ऐसे हम इसकी सिलाई कर देते हैं, यहाँ तक हम सिल लेते हैं जहाँ से घटाना शुरू किए थे, इतना दूर। तो फ्रेंड देखिए, इसको सिलने के लिए यहाँ से हम यहाँ तक इसको सिल दिए हैं, यहाँ से अब इसको सिलने के लिए देखिए, ऐसे पट्टी पट्टी के छोर पर ऐसे हम ऐसे कच्चा किया जाता है, इसी तरह से ऐसे इसको ऐसे सुई में भरेंगे। देखिए, इसी तरह से इसको ऐसे हम खींच लेंगे, इसको हम खूब बढ़िया खींच के ऐसे इसको खूब सिकोड़ देते हैं, ऐसे टाइट इसको सिल देंगे।
देखिए इस तरह से इसको खूब ठीक से ऐसे से सिकोड़ करके सिल देंगे। अब उसके बाद अब इस छोर को फिर सिलना है, उसी तरह से इसको भी ऐसे जैसे कच्चा किए थे उसी तरह से इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए ऐसे सिलते हुए हम यहाँ तक ऐसे करेंगे। तो फ्रेंड देखिए इसको हम ऐसे सिकोड़ करके इसको भी सिल दिए हैं और इसको हम यहाँ यहाँ तक सिलाई तक लाएंगे, जहाँ तक ये हम इसको सिले हैं यहाँ तक ऐसे ले आ करके इसको यहाँ पर ऐसे सिल देंगे, ये एकदम हमारा ऊपर हो जाए। देखिए ये हमारा ऊपर हो जाए और यहाँ हमको ऐसे सिलाई कर देनी है। देखिए ऐसे यहाँ हम ऐसे सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से ऐसे हमारा ये कैप सिला जाएगा और ये हमारी डिजाइन जो है एक साइड में बनी है, एक साइड में ये हमारा इसको हम ऐसे यहाँ सिल देंगे। और उसके बाद आप अपने मनपसंद का 100 बटन लगा दें। 100 बटन वैसे फिलहाल हम इसको लगाएंगे नहीं, लेकिन आप 100 बटन लगाइए या फिर मोती लगाइए, कुछ भी लगाइए यहाँ के लिए, आप इस पर इसके सामने ऐसे 100 बटन लगा करके ऐसे टाँक दीजिए यहाँ पर। तो फ्रेंड देखिए एक कैप एक साइड से डिजाइन है और एक साइड से ये बना है। और देखिए बनाना बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 40 बटन को हम नहीं लगाएंगे, मार्कर से और सुंदर बटन ला के तब फिर लगाएंगे। यहाँ बटन लगेगा, यहाँ एक बटन लगाइए, 2 बटन भी लगा सकती हैं, मोती लगा सकती हैं। तो इस तरह से इसकी ये सिलाई हो जाएगी। ये सिलाई एकदम यहाँ ला के हमको यहाँ तक सिलना है। तो फ्रेंड देखिए एक कैप बन करके तैयार हो गया है, ये बहुत सुंदर लगता है। आधी साइड में हम डिजाइन डाले हैं और आधी साइड में ये हमारा ये है सादा है। तो फ्रेंड देखिए अगर ये हमारा पगड़ी कैप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगले नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।